नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिट्रोइन C3 एयर क्रॉस का बेस वेरिएंट। कंपनी भाई इसको यू के नाम से बुलाती है। तीन वेरिएंट है इसमें, इससे ऊपर आएगा भाई प्लस, फिर आएगा मैक्स, ये तीन इसमें वेरिएंट है। तो भाई इसके बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी 26 है। 26 में आपको ये मिल जाएगी जैसे टॉप वेरियंट में थी, सेम वैसी ही। दो इसके ऊपर यहाँ पे कंट्रोल मिलते हैं और ये भाई फोल्डेबल की नहीं है। अब गाड़ी के फ्रंट की बात करूँ तो भाई ऊपर इसमें आपको मिल जाएगा सिट्रोइन का लोगो, यहाँ पे क्रोम है और ये बीच में पियानो ब्लैक। ये पूरा यहाँ पे रफ ब्लैक प्लास्टिक मिलेगा, क्रोम मिल जाएगा फ्रंट में, यहाँ पे भी आपको ब्लैक प्लास्टिक मिलेगा। नीचे वाली जो ग्रिल है वो भी सेम मटेरियल में दी गई है और यहाँ पे स्किट प्लेट वगैरह भी नहीं मिलती। फॉग लैंप भी नहीं है भाई बेस वेरिएंट में। हेडलैंप इसमें हेलोजन ही है जैसे टॉप वेरिएंट में थे, सेम यहाँ पे आपको वही सिंगल बैरल यहाँ पे हेलोजन बल्ब मिलेगा और भाई DRL नहीं मिलते इस वेरिएंट में। टर्न इंडिकेटर इसमें यहाँ पे दिया गया है, हेलोजन बल्ब मिलेगा और यहाँ पे दिया गया है ये पायलट बल्ब येलो कलर का ही। अब बात करते हैं भाई इसके साइड प्रोफाइल की। तो भाई बेस वेरिएंट में आपको 17 इंच के ही मिलेंगे टायर। टायर का प्रोफाइल भी सेम है 215/60/17, लेकिन भाई इसमें आपको मिलेंगे ब्लैक कलर के ये रिम और ऊपर ये मिल जाएंगे ग्रे कलर में इसमें कवर। साइड में यहाँ पे आपको ये प्लास्टिक में ये क्लैडिंग मिलेगी। डोर्स के ऊपर यहाँ पे क्लैडिंग नहीं है। ORVM ग्लोसी ब्लैक कलर में, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, ए पिलर के ऊपर टेप मिलेगी, बी पिलर के ऊपर भी टेप है, सी पिलर मिल जाएगा भाई यहाँ पे बॉडी कलर। डोर हैंडल बॉडी कलर दिए गए हैं, यहाँ पे की होल मिलेगा। ऊपर भाई इसमें कोई रूफ रेल वगैरह नहीं है और यहाँ पे ये सिंपल वाला एंटीना मिलेगा फ्रंट में। अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। तो भाई ये देखो इसका रियर प्रोफाइल, यहाँ पे भाई ऊपर इसमें ग्लोसी ब्लैक कलर में एक पट्टी सी होती है, देखो यहाँ पे खड़ा है टॉप वेरिएंट, वो इसमें आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। सिट्रोइन का लोगो मिलेगा, सिट्रोइन की बैजिंग, C3 एयर क्रॉस की यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी और भाई यहाँ पे प्योर टेक का बैज भी इसमें नहीं है। वाइपर, डिफॉगर, वॉशर कुछ भी नहीं है। हाई स्टॉप लैंप ये, और ये मिल जाएगा इसमें स्पॉइलर यहाँ पे। नीचे भाई इसके बम्पर की बात करूँ तो ये पूरा यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में मिलेगा, पूरा रफ ब्लैक प्लास्टिक है और यहाँ पे ये इसमें दो सेंसर दिए गए हैं। कैमरा वगैरह भाई इस वेरिएंट में नहीं है, यहाँ पे मिल जाएगा इसमें रिफ्लेक्टर और स्पेयर व्हील दिया गया भाई ये नीचे की तरफ। यहाँ पे इसके बूट स्पेस की बात करूँ तो भाई यहाँ पे इसमें ये मैग्नेटिक बटन दिया गया है और ये देखो भाई बूट का स्पेस, पार्सल ट्रेन नहीं है यहाँ पे। 444 लीटर का यानी कि 444 लीटर्स का इसमें आपको ये बूट स्पेस मिल जाएगा। और भाई नीचे यहाँ पे दिया गया है ये इसका जो स्पेयर व्हील है उसको निकालने के लिए। यहाँ पे कवर का इसमें ये डब्बा पड़ा है, कंपनी की तरफ से आपको कवर मिलेंगे, एक्स्ट्रा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको 3 kg का ये हुक मिलेगा, एक हुक यहाँ पे दिया गया है। बूट लैंप इसमें नहीं मिलता भाई। अब इसको करते हैं बंद और बात करते हैं इसके टेल लाइट की। तो ये यहाँ पे आपको पूरा हैलोजन मिलेगा, यहाँ पे हैलोजन बल्ब ये दिया गया है, यहाँ पे भी ये टर्न इंडिकेटर ये भी हैलोजन ही है और यहाँ पे दिया गया है ये ब्रेक लाइट। अब अंदर इसका इंटीरियर दिखा दूँ तो भैया देखो ड्यूअल टोन है, यहाँ पे आपको ये थोड़ा अलग सा ये कलर मिलेगा और ये मैट सा टेक्सचर इसमें दिया गया है। यहाँ पे आपको पूरा ये ब्लैक मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, दो पावर विंडो के कंट्रोल। बेस वेरिएंट में भी आपको चारों पावर विंडो मिलती है और चारों भाई वन टच डाउन है। यहाँ पे मिल जाएगा ये इसका डोर ओपनर, नीचे बोतल होल्डर दिया गया है, यहाँ पे स्पीकर के लिए ग्रिल, इसमें स्पीकर नहीं मिलेगा क्योंकि भाई इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं है। सीट की बात करूं तो हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलेगी इसमें, फैब्रिक सीट दी गई है ये ब्लैक कलर का, यहाँ पे आपको फैब्रिक मिलेगा, यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट का ये कॉम्बिनेशन है। फिक्स हेडरेस्ट इसमें ये दिए गए हैं। अब चलते हैं अंदर और ये देखो भाई इसका डैशबोर्ड का जो डिजाइन है, ऊपर पूरा यहाँ पे ये हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ पे आपको ये ग्रे कलर मिलेगा, मैट ग्रे कलर ये दिया गया है। यहाँ पे भी आपको सेम टेक्सचर मिल जाएगा जो इसके डोर्स के ऊपर था। ग्लव बॉक्स का साइज इसमें आप ठीक ठाक सामान रख सकते हैं और ये अलग अलग यहाँ पे नीचे भी इसमें स्पेस दिए गए हैं। इसमें आपको मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, यहाँ पे हजार्ड लाइट के लिए ये 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, थोड़ा स्पेस ये मिलेगा। यहाँ पे अंदर ये स्पेस मिल जाएगा, ये कप होल्डर है, यहाँ पे वॉलेट वगैरह आप इसमें रख सकते हैं। एसी के वेंट मिलेंगे ये ब्लैक कलर में, दो इसमें एयरबैग मिल जाते हैं, एक यहाँ पे एक मिलेगा ये पैसेंजर साइड। और भाई ये है इसका डिमिंग ORVM मैनुअल मिल जाएगा, यहाँ पे येलो कलर की लाइट, यहाँ पे माइक के लिए स्पेस है। भाई माइक इसमें है या नहीं उसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ। यहाँ पे कोई इसमें वैनिटी मिरर नहीं है और यहाँ पे टिकट होल्डर भी नहीं मिलता। अब नीचे यहाँ पे बात करते हैं भाई, ये वाला पार्ट पूरा इसमें ब्लैक कलर में मिलेगा। गियर नॉब पूरा हार्ड प्लास्टिक का है, 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है, थोड़ा स्पेस ये मैनुअल, इसका हैंड ब्रेक और ये भाई पीछे वाले पावर विंडो के लिए यहाँ पे कंट्रोल इसमें दिए गए हैं। स्टेयरिंग की बात करूँ तो भाई डी कट स्टेयरिंग है, पूरा रबर रैप मिलेगा ये, यहाँ पे कंट्रोल मिल जाएंगे जो इसका MID है उसके लिए। म्यूजिक सिस्टम के यहाँ पे कोई भी कंट्रोल इसमें नहीं है। एडजस्टमेंट की बात करूं तो भाई टिल्ट है, टेलीस्कोपिक एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे वाइपर के लिए स्ट्रोक, यहाँ पे मिल जाएगा ये हेडलैम्प के लिए। हेडलाइट लेवलर ये नीचे है, नॉर्मल जो वायर वाला होता है वो इसमें मिलेगा। और यहाँ पे आइडल इंजन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, चाइल्ड लॉक के लिए, और ये है भाई ORVM के लिए। इसमें आप सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे दिया गया भाई इसका ये MID। अब इसको एक बार मैं स्टार्ट करूँ तो क्लस्टर दिखा दूँ आपको इसका। ये देखो डिजिटल इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा इसमें डिस्प्ले मिल जाती है। बीच में इसमें ये आपको डायल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन ये दिखाता रहेगा। डिजिटल स्पीड ऊपर दिखा रहा है, यहाँ पे RPM दिखाएगा ये, यहाँ पे इसमें टेम्परेचर दिखाएगा, यहाँ पे फ्यूल दिखाएगा इस साइड। इसमें आपको 2 मोड मिलते हैं, इको और नॉर्मल, और भाई डोर ओपन है तो भाई इसमें एग्जैक्ट वही डोर दिखाता है जो ओपन होता है। बीच में बड़ी सी वो नोटिफिकेशन इसमें आ जाती है। और भाई इसमें जो बाकी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है उसके लिए यहाँ पे ये कंट्रोल दिए गए हैं, ये मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये इसका मोड शो करेगा,
ये यहाँ पे इसमें डिजिटल स्पीड दिखाएगा, ट्रिप ए और उसका डाटा, ट्रिप बी और उसका डाटा, यहाँ पे टायर का प्रेशर दिखाएगा। सिर्फ इसमें नोटिफिकेशन आएगी, वैसे प्रेशर नहीं दिखाता अलग अलग टायर का। और ये है इसका आरपीएम मीटर, बीच में यहाँ पे डिजिटल इसमें स्पीड दिखाता रहता है। ये ऊपर यहाँ पे आउटसाइड का टेम्परेचर दिखाएगा, ये कुछ और वार्निंग लाइट्स यहाँ पे आएंगी, डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ नीचे शो करता है। तो ये हो गया इसका फ्रंट रो का जो भी कुछ इसमें फीचर्स वगैरह हमें मिलते थे। अब चलते हैं इसके सेकंड रो में और वहां पे जाके देखते हैं अब क्या कुछ फीचर अलग हैं इसमें। ये देखो भाई, पीछे वाला डोर पूरा ब्लैक कलर में ही है। यहाँ पे आपको ये पूरा हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, थोड़ा स्पेस ये है इसका डोर ओपनर, नीचे यहाँ पे बोतल होल्डर, ये स्पीकर के लिए ग्रिल दी गई है। सीट की बात करो तो भाई पूरी बेंच सीट मिलती है, यहाँ पे फोल्ड करने के लिए दिया गया है। फिक्स हेडरेस्ट है तीनों, बीच में भी हेडरेस्ट इसमें दिया गया है, आर्मरेस्ट नहीं है। तीन सीट बेल्ट मिल जाएंगी। और भाई इसमें दिखा दूं अब आपको स्पेस वगैरह, देखो ये मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है सीट इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना मेरे को नी स्पेस मिलेगा, पूरी लंबी टांगे करके बैठ सकते हैं आप यहाँ पे। अंडर थाई सपोर्ट की भी यहाँ पे कमी नहीं है कोई, तीन बंदे एडजस्ट कर सकते हैं। सेंटर वाला बंदा भाई थोड़ा सा परेशान रहेगा इसकी वजह से। यहाँ पे कुछ चार्जिंग सॉकेट वगैरह नहीं है, कोई एसी के वेंट नहीं मिलेंगे, ऊपर भी यहाँ पे कोई वेंट नहीं है, ना यहाँ पे आपको लाइट मिलेगी, ना इसमें कोई भी हैंडल यहाँ पे मिलते। सीट के पीछे भाई यहाँ पे पॉकेट्स भी नहीं है। बस भाई ये था इसका सेकंड रो, बाकी और कुछ है नहीं यहाँ पे बताने के लिए। अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ और बात करते हैं इसकी इंजन पावर की और इसकी कीमत वगैरह की। यहाँ से होगा भाई इसका इंजन भी ओपन। अब भाई एक हाथ से इसका बोनट खोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये जो इसका हैंडल है ये यहाँ पे दिया गया जो, ये थोड़ा साइड में है, बीच में इसका लोगो है, ये अड़ जाता है हाथ पे, तो दोनों हाथ से खोलना पड़ता है। ये इसमें 1200 सीसी का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, तीन सिलेंडर इंजन इसमें आपको मिल जाएगा। इसकी माइलेज की बात करूँ 18.5 किलोमीटर पर लीटर की इसमें आपको माइलेज मिल जाएगी। और भाई इसकी कीमत की बात करूँ तो बेस वेरियंट आपको मिलेगा 10 लाख से भी नीचे, 9,99,000 रुपये इसकी एक्सशोरूम कीमत है। ऑन रोड जाएगा 11,61,000 रुपये तक। तो ये था भाई सिट्रोइन C3 एयरक्रॉस का बेस वेरिएंट। आपको कैसा लगा भाई ये वेरिएंट कमेंट करके जरूर बताना। इसमें जो फीचर्स वगैरह मिलते हैं वो एक बेस वेरिएंट के हिसाब से भाई आपको कैसे लगे वो भी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।